होटल चेंदूरम जहाँ पे मैं रुका था। तो अब मैं बस यहाँ से निकल रहा हूँ बेंगलोर के लिए, जो कि है 650 किलोमीटर। तो चलिए चलते हैं। यहाँ से जो बेंगलोर का डिस्टेंस है कन्याकुमारी से, वो है 650 किलोमीटर के आसपास वाया मदुरई। तो चलते हैं बेंगलोर, बैक टू बेंगलोर। तो सबसे पहले मुझे लेना है फ्यूल, तो देखते हैं पेट्रोल पंप कहाँ पे है, वहाँ पे लूँगा फ्यूल और निकल जाऊँगा कन्याकुमारी से टाटा बाय बाय करते हुए। अब मेरा पेट्रोल पंप, तो लेते हैं फ्यूल और करते हैं अपना टैंक फुल। अब हो गया सेट, गेट रेडी गो। आज का जो वेदर है, आज भी पूरा क्लाउडी वेदर है, क्लाउडी। यहाँ से जो मदुरई का डिस्टेंस है वो है 240 किलोमीटर। लेट्स रॉक ऑन। यहाँ पर जो है इस एरिया में बहुत सारे विंड मिल लगे हुए हैं, देखो कितने सारे विंड मिल है यहाँ पे। यहाँ पे मुझे बहुत सारे पहाड़ दिखे, फोरग्राउंड में पहाड़, बैकग्राउंड में पहाड़, सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ अलोंग विद विंड मिल। देखो यहाँ पे कितने सारे विंड मिल लगे हुए हैं, लगता है ये पूरा 50 किलोमीटर के रेडियस में पूरा जो है यहाँ पे विंड मिल ही लगा हुआ है। यहाँ से जो मदुरई का डिस्टेंस है वो नियरली 110 किलोमीटर और बचा हुआ है। और यहाँ पे जो भी सीन है यहाँ के एरिया का, वो कुछ इसी टाइप से है। पूरे रास्ते में बस खेती होती है और कहीं कहीं पे जो है वो विंड मिल लगे हुए हैं खेतों में। हाय गाइस, तो यहाँ पे मैं फाइनली एक ब्रेक ले रहा हूँ आफ्टर 180 किलोमीटर। अभी बज रहे हैं 11, तो मैं सोचा एक ब्रेक ले लिया जाए यहाँ पे। तो मैं ब्रेक ले रहा हूँ यहाँ पे, वही 15-20 मिनट रुकूँगा और फिर यहाँ से निकल जाऊँगा बेंगलोर के लिए। चलो अब निकलते हैं यहाँ पे, हो गया रेस्ट। अब देखते हैं आगे कहीं अगर दुकान मिलेगा खाने पीने का तो वहाँ पर रुकेंगे। यहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ मदुरई। यहाँ से जो है सेलम का डिस्टेंस 240 किलोमीटर और है। तो मदुरई में मैं इंटर किया हूँ 12 बजे। 233 किलोमीटर मैं अभी तक चला हूँ फ्रॉम कन्याकुमारी। कन्याकुमारी से जो है मैंने शायद वही 9 या 9:15 बजे चला था, तो इतना टाइम में अभी तक मदुरई तक पहुंचा हूँ। लुक एट दिस पहाड़, क्या मस्त लग रहा है ये देखने में। थोड़ा सा जो है शैडो लगा हुआ है वहाँ पे, फॉग का शैडो, और हल्का हल्का सा जो पहाड़ है वो ट्रांसपेरेंट है, देखने में एक नंबर लग रहा है। ये लग रहा है जैसे
कोई बैकग्राउंड में ये पहाड़ है उस टाइप से। यहाँ से जो है डिंगरी गुल और 18 किलोमीटर बचा हुआ है, और जो बेंगलोर का डिस्टेंस है वो है 390 किलोमीटर। तो देखो यहाँ पे मैं रुका था और लंच किया। ये जो होटल है ये आप जब डिंगरी पार करोगे, डिंगरी गुल, उसके बाद ही ये पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने बिरयानी खाया, काफ़ी टेस्टी बिरयानी था। तो आप अगर यहाँ से गुजरते हो डिंगरी गुल से तो यहाँ पे रुक के आप भी रेस्ट कर सकते हो और खाना पीना खा सकते हो। लगता है जैसे यहाँ पे जो है बारिश आने वाली है। देखो यहाँ पे जो पूरा बादल है, आकाश पूरे काले बादल से छा गया है। यहाँ से जो सेलम का डिस्टेंस है वो नियरली 60 किलोमीटर और बचा हुआ है, और बेंगलोर का डिस्टेंस लगभग 250 किलोमीटर है। यहाँ पर जो है अब बारिश की बूंदें गिरने लगी, बारिश तेज हो रही है। मैं देख रहा हूँ पेट्रोल पंप, अच्छा वहाँ पे रिलायंस का पेट्रोल पंप है, वहाँ पे रेनकोट पहन लूँगा और कैमरा सबको डाल दूँगा बैग में। फुल कर दो, फुल टैंक फुल। हाँ देखो यहाँ का जो पहाड़ है वो कितना सुंदर दिख रहा है। अभी जो बारिश के मौसम में लगता है पूरा क्लाउड जो है बादल के ऊपर में तैर रहा है। पीछे में पूरा रास्ता जो है लगभग 50 किलोमीटर या बोल सकते हो 100 किलोमीटर पूरा बारिश हो रहा था। तो उस रीजन से जो है मैं कुछ रिकॉर्डिंग नहीं किया। अभी जो है यहाँ पे बारिश नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने फिर कैमरा लगाया है। तो मे भी पता नहीं ये बारिश फिर कब स्टार्ट हो जाए यहाँ पे भी। तो आप इस सीन को बस इन्जॉय करो। यहाँ से जो है बेंगलोर और 180 किलोमीटर बचा हुआ है। यहाँ पे भी फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है, बूंदाबांदी। तो चलिए देखते हैं जहाँ तक वीडियो बनता है बनाते हैं, और उसके बाद जो है फिर रूम पर मिलते हैं। चलिए अब कैमरा करते हैं यहीं पे ऑफ। आई थिंक नहीं तो मेरे कैमरा में फिर से पानी चला जाएगा। इसी टाइम से मेरा जो पौंडीचेरी का ट्रिप था वो पूरा बर्बाद हो गया, क्योंकि कैमरा में ही पानी चला गया था। तो फिर इसको मैंने चावल में डाल के इसमें से पानी निकाला। चलिए तो फिर मिलते हैं रूम पे। हाय गाइज, तो फाइनली मैं अपने रूम पे पहुंच गया और अभी बज रहे हैं 9:30। तो 9:30 बजे मैं अपने रूम पे पहुंचा हूं। और रास्ते की बात करूं तो जो सेलम है वहाँ से जो बारिश होना स्टार्ट हुआ, पूरा यहाँ बेंगलोर तक बारिश हुआ है। तो पूरा जो राइडिंग हुआ सेलम से बेंगलोर तक पूरा बारिश में ही हुआ, रेन राइड। और सी अभी तक मैं रेनकोट पहना हुआ ही हूँ, रेनकोट अभी तक उतारा भी नहीं हूँ। तो बारिश में पूरा राइड हुआ, तो उस रीजन से काफ़ी टाइम लगा आने में, क्योंकि जो बेंगलोर में इंटर करने के बाद जो है जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी टोल गेट है वहाँ पे बहुत ही लंबा लाइन था। तो उस रीजन से वहाँ पे भी लगभग 30 मिनट गया। तो फाइनली पहुँच गया रूम पे और ये हुआ ट्रिप सक्सेसफुली कंप्लीटेड। तो फिर मिलते हैं
नेक्स्ट ट्रिप में देखते हैं अगला ट्रिप कहाँ कब बनता है। तो मिलते हैं फिर अगले ट्रिप में, तब तक के लिए हैप्पी राइडिंग, सेफ राइडिंग, बाय बाय।